हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल कोटा बकरा। भाइयों, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बकरा और बकरियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और जिससे बकरियों की ग्रोथ भी अच्छी बढ़ती है। मुझसे कई भाइयों ने सवाल किया है यूट्यूब पर, जो मेरा चैनल है कोटा बकरा के नाम से, कि भाई कुछ फीड के बारे में भी बताएं, कोटा में ऐसे बकरे को क्या खिलाते हैं जो इतना गर्म रहता है। तो मैं कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ आपके लिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको भी बताऊँगा और थोड़ी जानकारी दूंगा कि बकरों को क्या क्या फीड देनी चाहिए इससे बकरा जल्दी तैयार हो। तो इंशाल्लाह, जैसा कि आप जैसे आप सब जानते हैं, आगे भी लोगों ने बताया, लेकिन कुछ एक अपने पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद बकरे पालता हूँ और तैयार करता हूँ इंशाल्लाह बकरा, इतना आपको मेरे खुद के बकरे दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एक ही जो देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं जो, ये बकरों को देना बहुत ही अच्छा रहता है। इससे बकरे की पाचन क्रिया काफ़ी अच्छी रहती है, पानी भी अच्छा लेता है इससे जानवर। एक ही जो है, कोटा में ज़्यादातर बकरों को जो दिया जाता है। एक इसे हरा चारा के रूप में, जैसे सोयाबीन का पाला बोलते हैं, और इधर कोटा में काफ़ी सस्ता है, 10 रुपये किलो, 8 रुपये केजी के आसपास ये पाला मिल जाता है और अच्छा है। बकरे इसे खाते भी अच्छा है और सस्ता पड़ता है। एक ही जो मक्का हो गई, जिसे आप बेहतर जानते होंगे, जिससे सब बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, मक्का भी बकरों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो भाइयों, जैसा कि मैं आपको मक्का के बारे में बता रहा था, ये भी एक बकरों में काफ़ी अच्छा प्रोटीन है, इसे देना चाहिए बकरे को कम से कम एक टाइम तो ये देना चाहिए। सर्दियों के दिनों में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बकरे का वेट गेन इससे काफ़ी अच्छा होता है। और वैसे आप जानते हैं कि भराई वाले इसे ज़्यादातर देते हैं, जो बकरे की नाल लगाते हैं। फिलहाल बकरा इसे आप इसे कूट कट या मशीन में इसके चार फांक हो जाती है, मतलब इसे दलिया बोलते हैं, उसे भी बकरा काफ़ी अच्छा खाता है। ये थोड़ी हेवी पड़ती है, इसलिए अच्छी चीज़ है मक्का। और ये कोटा में भी 28 या 30 रुपये केजी के आसपास है। एक ये जो दूसरी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, मटर का छिलका, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है भाई लोग। ये हरी मटर का छिलका है और ये प्योर है, इसमें कचरे वाला भी आता है, वो 20 रुपये केजी है और ये 23 रुपये किलो है। अच्छी चीज़ है, इसे नाश्ते के तौर पर सुबह या शाम आप बकरे को दे सकते हैं। इसके बाद बकरा काफ़ी पानी पीता है और ये फेल पे जाके फूलती भी है, तो बकरा बागोल अच्छा करता है भाई लोग, अच्छी चीज़ है। तीसरी है, चौथी पाँचवीं चीज़ है, ये चने की चुर्री, ये प्योर चने की चुर्री है भाई लोग। एक इसमें कचरे वाली आती है 28 या 25 रुपये केजी, ये 35 रुपये केजी है, अच्छी फीड है, प्योर चुर्री है। इससे भी बकरा काफ़ी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर्दियों की डाइट बता रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह एक नई वीडियो बताऊंगा जिसका मेरा पर्सनली, आप जो मैं बकरे पालता हूँ, कि गर्मियों में बकरों के लिए क्या क्या अच्छा रहता है, ये आपको मैं सर्दी की डाइट बता रहा हूँ बकरों के लिए। माशाल्लाह अच्छी चीज़ें देना चाहिए बकरे, इससे अच्छा काफ़ी गेन वेट होता है। और एक इसे बोलते हैं खल, ये 3-4 क्वालिटी का आता है, एक आंकड़े का आता है, सोयाबीन का, मूँगफली का, अलसी का, 3-4 तरह का आता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़े का खल जिसे बोलते हैं, अच्छी चीज़ है भाई। और ये खल काफ़ी, आप जानते हैं वैसे इसमें कितना पोषण होता है, बकरी काफ़ी हेल्पफुल है। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोटा में भाई लोग ज़्यादातर जो फार्म है बकरे वाले हैं, और जो जंगल में जो आप कोटा बकरा इतना जो गर्म रहता है जो आप पसंद करते हैं, ये जो जंगल वाले रहते हैं, ये जो आपको इन्होंने डाइट बताई है, ये सब कुछ देते हैं। और एक आपको बताता हूँ कि पतले दुबले बकरों के लिए क्या क्या, बहुत से भाई ने पूछा कि यार बकरा मोटा नहीं हो रहा है, खाता पीता नहीं, तो भाई उसे आप लीवर टॉनिक दें। ल्यू फेरोल के नाम से एक शीशी आती है, काफ़ी अच्छा लीवर टॉनिक है, मेरा पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बकरों को दिया है, ल्यू फेरोल के नाम से आता है, अच्छा टॉनिक है भाई। अपने बकरों को, बड़े बकरों को 10-10 ml सुबह शाम दे, अगर छोटे बच्चों तो 5-5 ml दें। एक ही ओस्टोवेट, जैसे बहुत अच्छा ब्रांड है विब्रिक का, सब जानते हैं आप इसको, ओस्टोवेट, ये बकरियों में कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर इसे 51 बकरी को भी दें, या दूध वाली बकरी को भी, इससे बच्चा बकरा या उसका जो बच्चा दूध पीता है काफ़ी हेल्पफुल रहता है, अच्छी चीज़ है, देना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैंने आपको जो अपना एक्सपीरियंस बताया भाई, मैं तो अपने बकरों को ये सब देता हूँ, और ये सर्दी की डाइट है, इसे देना ही चाहिए। जो आप सब डाइट देख रहे हैं, ये जो हो गया, सोयाबीन का पाला, ये मक्का, ये मटर का हरा पाला,
और एक ये जो चने की छुरी और खल और ये दूसरी डोज है। और एक भाई जो मुझसे पूछ रहे थे हरी पत्ती का जिसे नून बोलते हैं, तो भाई अपने इधर कोटा में ज्यादा यूज नहीं होता, राजस्थान के जयपुर या सीकर जिले के आसपास काफी यूज होता है नून, लेकिन इधर कोटा में भाई फीड बहुत मिल जाता है। एक हरी पत्ती में मैं आपको भाई वो अपने वो पत्ते, ये गोभी के पत्ते हुए, एक आपको जैसे पीपल हुआ, बड़ हुआ, हरी पत्ती में भाई एक आपको पर्सनल बता देता हूँ कि हरी पत्ती कम से कम दिन में एक बार जानवर को देना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या है भूसा या चापड़ जो भी बना के खिलाते हैं, तो भाई लोग एक दिन में एक जानवर को हरी पत्ती देना बहुत जरूरी है। मेरा पर्सनली ये जो आपको बता रहा हूँ मैं, पत्ता गोभी के पत्ते या मैं अपने जानवर को दिन में एक बार जरूर देता हूँ, इससे बकरा तंदुरुस्त भी रहता है और बागुल भी अच्छा करता है। ये पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर किया है मैंने आपके साथ। तो भाई लोग अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंशाल्लाह मैं आज आपके सामने आया हूँ, मैंने उससे एक भाई ने पूछा था कि यार फीड बताना, तो मैं आज वीडियो में खुद आया हूँ। और किसी भाई को अगर बकरा लेना हो तो भी कॉन्टेक्ट करें, मैं जिस भाई की वीडियो बनाता हूँ बकरे के लिए वो मैं अच्छे लोग, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहूँगा भाई, मैं जिसके ऊपर विश्वास उसकी वीडियो बनाता हूँ। आप बहुत से भाई पूछ रहे हैं कि बकरा पहुँच जाएगा, पैसा तो नहीं रुकेगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे को मैसेज करें जिससे भी बकरा लेना, इंशाल्लाह आपके पास बकरा पहुँचेगा भी सही और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बस इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है इंशाल्लाह, बाकी कोई ऐसे धोखाधड़ी वाला काम नहीं करते। तो अस्सलाम वालेकुम।